कैसे हो मैम? बढ़िया सर, बिल्कुल। क्या नाम है जी? मेरा नीतू भनभोरी। नीतू भनभोरी, भनभोरी से आप जी? क्या करते हो? मैं दिल्ली रोडवेज में ड्राइवर हूँ, डीटीसी में, फीमेल ड्राइवर। वाह, कितना यार मैं लगती हूँ। अच्छा, मेरे को ये बताइए, स्टडी कहाँ तक की है वैसे आपने? मास्टर डिग्री कर रखी है। मास्टर डिग्री कर रखी है। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र, स्टडी कहाँ तक की है आपने? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम अनमोल है। अनमोल नाम है। क्या करते हो? मैं प्लस टू में स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो प्लस टू में? हु इज नेक्स्ट सुपर पावर, इंडिया और चाइना? जस्ट में तो अमेरिका है। यस, आने वाले टाइम में कोई दोहराया नहीं है। आने वाले टाइम में आप देखो, डेवलपमेंट अपने भी देखते हैं हम जी, अदर कंट्री की भी देखते हैं, हालात से भी के देखते हैं हम जी, बिल्कुल। तो आने वाले टाइम में चाइना होगा सुपर पावर या फिर इंडिया होगा? सर, चाइना के बारे में जहाँ तक अनुमान है तो चाइना को हम कम नहीं ले सकते। हम अपनी बता सकते हैं कि हम जो है एक इंडिया एक अभी तक विकासशील देश है, और हमें चाइना तक जाने में अभी बहुत टाइम लगेगा सर, वहाँ पे पहुँचने में। पीछे नहीं, हम बहुत पीछे चल रहे हैं चाइना से। जैसे हम पश्चिमी सभ्यता से पीछे चल रहे हैं ना 30 साल, वैसे ही चाइना से बहुत पीछे चल रहे हैं। एक तो होता 2 कदम पीछे चलना, चाइना से अभी भी हम 10-12 कदम पीछे चल रहे हैं। तो चाइना तक पहुँचने का तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, अभी ये है कि जो इंडिया है हमारा देश, बहुत ज़्यादा मतलब पैंतरे देख रहा है। नहीं, आपको से विदेशों में भी हमारी जो कूटनीति है वो बड़े साबित हो रही है। जैसे अमेरिका है, रूस है, जापान है, ये इंडिया के जो है फ्रेंड्स कहे जाते हैं इन देशों को। तो जहाँ तक पावरफुल की बात है तो अभी तो हम नहीं कह सकते कि इंडिया का नंबर आएगा, और चाइना के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, आने वाले टाइम में हो सकता है 10-20-15-20 साल में भाई हम पहुंच जाएं जहां पे आज चाइना है। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि हम अभी भी 20-30 साल पीछे लगभग हैं चाइना से। यस। तो आपको ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो अभी बना है, अभी कुछ 15 में नहीं, फरीदाबाद, बाड़सा में, फरीदाबाद में, उसके बाद अमृता हॉस्पिटल। सर, जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो अमृता हॉस्पिटल है आज के टाइम पे, जो अब बन के अभी उद्घाटन हुआ था उसका कुछ दिनों पहले। तो जैसे हम डेवलपमेंट देखते हैं हमारी, तो ऐसा लगता नहीं कि आने वाले टाइम में हम हो सकते सर डेवलपमेंट में? हम ये नहीं कह सकते भी, अगर हमने एक ही चीज़ में डेवलपमेंट कर लिया ना, उसको हम डेवलपमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए हमें हम हर क्षेत्र में ऊँचे होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास शिक्षा का विभाग भी है, परिवहन का विभाग भी है, और हम जहाँ तक देखते हैं ना, और शिक्षा और ये मतलब जो भी है, एक तो कहीं भी चले जाओ हॉस्पिटल है, दोनों में हम पीछे चल रहे हैं अभी तक, शिक्षा में भी और हॉस्पिटल में भी। पहले तो हम यहीं पे जो आम जो लोकल है ना बंदे, वो इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अगर बड़े लोग है, जैसे अडानी है, अंबानी है, अगर इन्हीं के हाथों से चलता सब कुछ तो अभी तक तो पावरफुल हो ही जाता, क्योंकि इसके लिए जो मध्यम वर्ग है ना, उसका ऊपर उठना बहुत जरूरी है। सभी को उठना पड़ेगा। नहीं है देखो, या तो हमारे देश में क्या है कि मध्यम वर्ग ज़्यादा है, जो मोस्ट पावरफुल व्यक्ति है ना वो तो 3% है इंडिया में, उसके बाद नंबर आ गया मध्यम वर्ग का। मध्यम वर्ग तो जब तरक्की करेगा ना, उसके खर्चे नहीं पूरे हो रहे। क्यों नहीं पूरे हो रहे? शिक्षा महंगी है, हॉस्पिटल में चले जाओ हॉस्पिटल के खर्चे महंगे हैं, जो आम नॉर्मल सुविधा है ना वो सबसे ज़्यादा महंगी है। तो मध्यम वर्ग तो इसी में उलझ गया बस। और मोस्ट पावरफुल व्यक्ति यही नहीं सोच रहे, जैसे अडानी है, अंबानी है, ये अगर नीचे कुछ सोचे, बिजनेस तो इनका बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत अच्छा है, अच्छी बात भी है। और इंडिया में एक नाम आता है टाटा का, आपने भी सुना होगा, बहुत फेमस मोस्ट पावरफुल व्यक्ति है। और मैं सोचती हूँ अगर टाटा जैसे इंसान हमारे में 15-20 हो जाए तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा तरक्की बहुत जल्द कर सकता है। आई थिंक मेरी सोच है ये। अच्छी सोच है आपकी, वैसी अच्छी बात है। चलो ठीक है मैम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू मैम। यस, आज के टाइम पे देखा जाए तो अमेरिका सुपर पावर,
हाँ जी, आप किस सुपर पावर की बात कर रहे हैं? मैं देखो एक आज के टाइम पे देखा जाए तो सुपर पावर अमेरिका है कंट्री, ठीक है, तो आने वाले टाइम में चाइना होगी या फिर इंडिया, अभी डेवलपमेंट को देख के कंडीशंस के हिसाब से तो चाइना है। चाइना जैसे अभी अभी आज के हिसाब से लगाएं तो चाइना हमसे कम से कम भी 25 साल आगे जी रहा है। स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, चाइना के अंदर स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं। हाँ जी हाँ जी, पाँचवीं छठी क्लास से उनके इंजीनियरिंग शुरू हो जाती है, स्किल्स शुरू हो जाती हैं। हाँ जी, हमारे वही ग्रेजुएट में आके शुरू होता है, तो हमसे वो कम से कम 25 साल आगे हैं। तो आने वाले टाइम में सुपर पावर अगर होगी तो चाइना ही होगी। अमेरिका, वैसे अमेरिका भी कम नहीं है, अमेरिका बहुत, अमेरिका इस टाइम तो अमेरिका सुपर पावर है, जीडीपी है बहुत ज़्यादा, जीडीपी है उसकी। हाँ जी, अमेरिका की, और इसके बाद अगर कवर करेगा उसको तो चाइना करेगा, क्योंकि अब इस टाइम है तो देखो अमेरिका तो है ही, लेकिन आने वाले टाइम में हम देखते हैं तो इंडिया होगा, चाइना होगा। आई थिंक आप बोल रहे हो कि चाइना है होगा आने वाले टाइम में अगर होगा तो, और कोई रीज़न बताइए सर? सबसे बड़ा रीज़न तो यही है, उनकी जो यूथ पावर है वो स्किल्स स्किल्ड लेबर है उनकी। हाँ जी, अब जैसे अब देखे जा देखा दे, अगर हम देखें तो यहाँ यूथ पावर जो है इंडिया में इस समय सबसे ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हम चाइना को भी कम नहीं कह सकते, उनके पास भी 140 करोड़ की आबादी है, हमारी भी 135 करोड़ की है, तो हो सकता है ये हम अगले साल अगली जनगणना में इसको कवर कर जाएं, चाइना से ज़्यादा हो जाए हमारी आबादी, लेकिन जो स्किल्ड लेबर है ना, जो स्किल्ड लेबर है वो चाइना के पास ज़्यादा है। ये कारण है कि जो उसको जो चाइना को ज़्यादा बड़ा बनाती है हमसे। वो इज़ नेक्स्ट सुपर पावर, चाइना और इंडिया। हु इज़ नेक्स्ट सुपर पावर? जस्ट में अभी अमेरिका है सुपर पावर, पता है आपको? पता है। आने वाले टाइम में कौन होगा, इंडिया और चाइना? चाइना। क्यों? उनका फिर रीज़न है। क्या रीज़न है? वॉर्स वगैरह, उनके पास वेपन वगैरह है। वेपन हमारे से ज़्यादा है। हाँ, और ऐसे की है, एक ये रीज़न है, एक वेपन को देख के हम, एक वेपन से, मेरी बात सुनिए, मेरी हम लड़ाई करते हैं किसी के साथ में तो सिर्फ ये होना चाहिए कि दिमाग को छोड़ के सिर्फ हथियार हो, हथियार तो मैं लेके आ जाऊँगा, मेरे को चलाना आए ना, वो चलाना भी आना चाहिए, फिर वो तो बात है ना, वो कैसे चलेगा? टेक्नोलॉजी भी है उनके पास। फिर मैं वो सभी रीज़न आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे हैं वो आने वाले टाइम में कैसे होंगे सुपर पावर? एक तो उनके पास मिलिट्री पावर ज़्यादा है, थोड़ा सा बोले मिलिट्री पावर ज़्यादा उनके पास। हाँ, और आर्मी, और एक उनके पास वेपन की टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, और एक मुझे थोड़ा इस साइड आ जाओ, वहाँ से मत जाओ ना इस साइड आ। अच्छा, एक तो उनके पास में वेपन ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी, हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी की कमी है? नहीं है। आपको एक बात का नहीं है, फिर इंडिया क्यों नहीं हो सकता? क्या रीज़न है इंडिया नहीं हो सकता नेक्स्ट सुपर पावर? अभी तो आपने इंडिया की, आपने अभी तो आपने ये देखा होगा, थोड़ा बहुत देखा होगा तो आप गए होंगे, थोड़ा सड़ा जाओ, मेरे सड़ा जाओ, थोड़ा बहुत देखा होगा जो बाहर से देख लिया होगा, अभी तो आपने इंडिया की टेक्नोलॉजी देखी ही कहाँ है, देखिए कितनी देखी आपने? ऐसे तो मतलब जैसे भी हम, नहीं आपको लगता है कि हमारा इंडिया पहले जो इंडिया था अभी वही इंडिया है? नहीं, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, चेंजेस है तो उसके आधार पर आप बताइए ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है अपने वैसे तो। हाँ जी, आपको ये बात का पता है? जो गाड़ी हमारे यहाँ पे आई थिंक, अब मैं थोड़ा सा उसके बता रहा हूँ आपको, जो गाड़ी अपने यहाँ पे आई थिंक 10 लाख की है ना, 10 लाख की, और वही गाड़ी पाकिस्तान के अंदर कम से कम, ज़्यादा नहीं बोलता मैं, वो गाड़ी 70-80 लाख रुपए की वो गाड़ी है, ठीक है, वही गाड़ी। तो हमारे अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे यहाँ पे इंडिया, टेक्नोलॉजी तो क्यों नहीं हो सकता इंडिया यार? अच्छा, इसके मुकाबले में नहीं हो सकता, चाइना के मुकाबले में, चाइना के मुकाबले हम पीछे हैं, चाइना के मुकाबले मेरे हिसाब से पीछे, चाइना मुकाबले हम पीछे हैं। चल कोई बात नहीं, आपको एक बात का पता है, अभी इंडिया में ना, इंडिया ने विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया है, चेनाब ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में, नहीं पता, अभी 15 अगस्त को, आई थिंक 15 अगस्त को वो उसका वर्क कंप्लीट हो गया था, वो पुल कंप्लीट हो गया था, वो वर्ल्ड का ना सबसे ऊंचा पुल है, पुल है, ब्रिज तो, हाँ जी ब्रिज, विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है, कहाँ पे हम कम है टेक्नोलॉजी में, और हो नहीं क्यों नहीं सकता। चलो ठीक है, आपकी राय अच्छी बात है, थैंक यू।